हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं द चेंजिंग ऑफ अ वर्ल्ड व्यू और विजुअल आर्ट्स। ठीक है, इनडायरेक्टली इसके अंदर हम लोग पेंटिंग्स वगैरह वो जो आपकी मोस्ट ऑफली आप हम लोग ये चैप्टर्स को कंसिडर नहीं करते हैं एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि जो आपका एक कल्चर्स का एक जो अलग से टॉपिक दिया होता है ना, किसी भी आप अगर UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप अपने किसी स्टेट्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके अंदर हमेशा एक अलग से पॉइंट दिया होता है आर्ट एंड क्राफ्ट वाला, या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट या फिर आर्ट एंड कल्चर्स वाला। तो इसी के अंदर आपको मोस्ट ऑफ वो कवर करना चाहिए, जिससे कि आपको है ना ज़्यादातर आपको डाउट्स फॉर्म में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चंस को ऐसे लिखा नहीं जाता कि भाई ये जो कलाकृति है या फिर ये जो इस टाइप की पेंटिंग्स है वो किसके ज़माने में या फिर कौन से टाइम पीरियड्स में कितनी फेमस थी। तो अगर वो नोट्स को आप अगर पहले प्रिफर करो ज़्यादा बेटर रहेगा इनको, या फिर इस क्लास को आप लोग स्किप भी कर सकते हो इनडायरेक्टली। बट अगर आप देख रहे हो तो नीचे की PDF जो आपको दी हुई है उसको आप अपने पास सेव रख लेना, जिससे कि अगर कोई और पॉइंट ऑफ व्यू होंगे ना तो वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीचे और भी बहुत कुछ डिटेल में दिया हुआ है, अगर आप उनको रीड करना चाहते हो तो रीड कर लेना, वो आपके बेनिफिट में हमेशा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट से कि किस किस प्रकार के नए फॉर्म्स के कौन कौन से टाइप के आपके नए नए ऐसे टाइप के आपके बहुत सारे आपके पेंटिंग्स या फिर पेंटर्स आए थे जिन्होंने अलग अलग टाइप के अलग अलग फॉर्म्स को क्रिएट किया था। जैसे कि यूरोपियन जो आर्टिस्ट थे वो जब इंडिया में आते थे तो वो यहाँ पे आके एक अलग लेवल को शो ऑफ करते थे। शो ऑफ मीन्स कि अलग लेवल को वो लोग लेके आए, एक नई टेक्नोलॉजी को लेके आए। जैसे कि ऑयल पेंटिंग, आपको साइड में एक फ़ोटो दिख रही होगी, आपको ये फोटो आपको दिख रही है ना, ये फोटो है टिपिकल ऑयल पेंटिंग। ठीक है, इस फोटो को आप सीन करके या फिर देख के आपको इतना समझ में आ जाएगा कि ऑयल पेंटिंग किस टाइप की होती हैं और वो किस चीज़ को पहले कंसिडर करते थे। और इसी चीज़ को देखते देखते जो इंडियन आर्टिस्ट थे वो इतने ज़्यादा कैचअप पीपल्स थे कि जैसे ही उन्होंने इस चीज़ को देखा तो उन्होंने उस चीज़ को सीखने की जिज्ञासा उठाई, क्योंकि उनको पता था कि कहीं ना कहीं ये एक ऐसा फॉर्म था ना कि लोगों को अगर अलग से हाईलाइट होना है तो उनको उनको किसी ना किसी एक स्किल के अंदर मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। देखो उस टाइम पे ये चीज़ सिंपल थी, अगर उस टाइम पे किसी को इंग्लिश में बात करनी आती अगर वो इंडियन है तो मतलब उसकी वैल्यू अलग लेवल पे थी। और उसी तरीके से आर्टिस्ट वगैरह हो गए, ट्रांसलेटर वगैरह हो गए, या फिर कोई हायर अथॉरिटी में बैठने वाले इंसान थे तो इनकी इज्जत बहुत ज़्यादा की जाती थी। और देखो पहले के टाइम पे है ना पेंटिंग्स वगैरह उसको लोगों से ज़्यादा जो वहाँ के राजा रजवाड़े थे, बड़े बड़े मिनिस्टर्स थे, ये फिर जो ब्रिटिशर्स के मिनिस्टर्स थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, ये इनके पास ज़्यादा कदर की जाती थी। तो ये लोगों को वो चीज़ सीखना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो हम लोगों ने और हमारे आर्टिस्ट ने कहीं ना कहीं यूरोपियन जो आर्टिस्ट थे उनके पास से ऑयल पेंटिंग्स को सीख के हमने उसको नए फॉर्म में इंक्लूड किया। आगे बात करते हैं लुकिंग ऑफ द पिक्चर्स को। इसे को आपको साइड में एक पिक्चर दिख रहा है ना, ये मोस्ट ऑफली आपको थॉमस और विल्सन डायन करके आपके दो आर्टिस्ट थे। इन दो आर्टिस्ट ने ही आपको इस टाइप की अनएक्सप्लोरेबल मतलब ऐसे वाइल्ड लाइफ या फिर ऐसे लैंड फोटोज़ या फिर ऐसे लैंडस्केप फ़ोटोज़ को उन लोगों ने ड्राइंग किया था ना कि जो एक इमेजिनरी वर्ल्ड्स के अंदर एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, बट इस टाइप की जो पेंटिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर या फिर कंपनी पीरियड्स के अंदर, ब्रिटिश के अंदर या फिर ब्रिटिश पीरियड्स के अंदर एरा के अंदर इसको बहुत ज़्यादा कि इन प्रोजेक्ट्स को बहुत ज़्यादा अप्रूवल मिला था। क्यों? क्योंकि लोग इनको देख के एक अलग फीलिंग्स में ले रहे थे। जैसे कि अगर ये फ़ोटो हो आपको दिखाया जाए, ये फ़ोटो तो ये रियलिटी में कि एग्जिस्ट करता होगा नहीं करता होगा वो अब मेन प्रश्न नहीं होगा। क्वेश्चन ये होगा कि भाई एक आर्टिस्ट की किस तरीके की इमेजिनेशन इसके अंदर है, राइट? कि इसको पूरा का पूरा एक छोटे से फ्रेम के अंदर उसने हज़ारों टाइप के इमोशंस डाल दिए हैं। अब अगर आप भी इस इमेज को देखोगे तो आपके दिमाग में बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ख्याल आएंगे। किस तरीके से कि वो लड़की वहाँ लेटी क्यों है, वहाँ से पानी आ रहा है, वहाँ पे ऊपर मकान है सफ़ेद कलर का, वहाँ पे हिल्स हैं, सामने एग्जैक्ट पुराने एकदम कॉर्नर के टाइम पे वहाँ पे पेड़ वगैरह पे हैं, उसके सामने बीचों बीच एक सूरज की छोटी सी किरण धीरे धीरे बल्क हो रही है। अब या तो कुछ लोग बोलेंगे सुबह का टाइम है, कुछ लोग बोलेंगे शाम का टाइम है। तो देख रहे हो बहुत ज़्यादा व्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके की पेंटिंग्स को भी मोस्ट ऑफ उस टाइम पे एक पीक मिला, एक लोगों ने डिमांड्स क्रिएट की कि भाई हमको ऐसी पेंटिंग्स पसंद हैं, इन पेंटिंग्स को मंगवाया जाए, फिर इन पेंटिंग्स की ज़्यादा बात की जाए। आगे बात करते हैं द कोर्ट ऑफ आर्टिस्ट। जो कोर्ट ऑफ आर्टिस्ट थे, जो आप जो पहली बात तो कोर्ट ऑफ मैसूर था, उन लोगों ने नए ट्रेंड्स को शुरू किया। वो ट्रेंड ऐसा था कि नए टाइप की पेंटिंग्स को अगर आपको बनाना है तो उसको कहीं ना कहीं आपको पहले के
जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स थे, रूलर्स थे, उनको आपको दिखाना, अगर वो अप्रूव करते हैं, उनको पसंद आती है, उसके बाद वो आर्टिस्ट किसी पब्लिक प्लेस पे जाके या फिर किसी नॉर्मल इंसान के घर पे जाके वो जिसको उस चीज़ का प्रैक्टिस या फिर उस चीज़ को दिखा सकता है, सिखा सकता है। अदरवाइज़ अगर वो चीज़ आपके ऊपर से रिजेक्ट हो गई तो आप सिंपल सी बात है आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्लियर। उसी तरीके से सिंपल सी बात है, एक जो आपके टीपू सुल्तान थे उनका एक बहुत अच्छी पेंटिंग थी, वो थी वो थी मुरलिंग पेंटिंग्स। ये ऐसी पेंटिंग्स थी ना जो बहुत मोस्ट ऑफली वॉल्स के ऊपर लगाई जाती थी। और टीपू सुल्तान के टाइम पे आज भी इतिहास कहता है कि उन्होंने अपने टाइम पूरे महल के अंदर इतनी सारी पेंटिंग्स को रखा था, इतने सारे लोकल ट्रेडिशंस चीज़ों को, कल्चर्स को, अपने रिलीजन्स को इस तरीके से उन्होंने दीवार पर सजो कर रखा था कि जिनके बारे में हम आज भी कहीं ना कहीं हमको जो इतिहास पढ़ने को मिलता है टीपू सुल्तान के कारण, उनका उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था एज ए आर्टिस्ट। वो खुद आर्टिस्ट नहीं थे पर वो आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं न्यू पॉपुलर ऑफ इंडियन आर्ट्स। अब इंडियन आर्ट्स के अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन थी कि इंडियन आर्ट्स बेसिकली डिपेंड थे दो तीन चीज़ों के ऊपर। पहली चीज़ थी कि जो बहुत ज़्यादा फेमस आपके बहुत ज़्यादा फेमस आर्टिस्ट वगैरह थे वो बंगाल से थे। सबसे ज़्यादा आपको आर्टिस्ट वगैरह और सिंगर वगैरह अगर आपको इतिहास में देखने हो ना तो पीछे के टाइम पे चले जाओ ना, या आपका अर्ली हिस्ट्रीज के एरिया में चले जाओ, आपको 17, 18 या 19 सेंचुरी में चले जाओ तो इस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा बंगाल के अंदर से सबसे ज़्यादा पेंटर्स, सिंगर्स, डांसर्स, ये सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर आर्टिस्ट की बात करी जाएगी अगर 19 सेंचुरी के आसपास में, तो सिंपल सी बात है डेवलप तो हो रहा था पर डेवलप एक ही साइड से हो रहा था। कहाँ से? तो वो था बंगाल आपका। वहाँ से आपको हर टाइप के आर्टिस्ट वगैरह देखने को मोस्ट ऑफली देखने को मिल जाते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि नेशनल आर्ट किस तरीके से इंडिया के अंदर स्प्रेड हुआ। तो इंडिया के अंदर स्प्रेड हुआ था मीडिया और प्रिंटिंग मशीन्स के द्वारा, कि लोगों तक कोई बात पहुँचानी है तो कोई सोशल इशू के बारे में बात करनी है तो उसको इनडायरेक्टली उसमें इंक्लूड करके उस पेंटिंग को बना के समाज के अंदर दे दिया जाता था, न्यूज़पेपर के अंदर प्रिंट कर दिया जाता था। प्रिंट करने के बाद लोग उसको देखते थे और लोग, देखो आपने अगर पहले कभी भी किसी फोटो को देखा होगा, फोटो छोड़ो अगर आपने न्यूज़पेपर देखा होगा तो न्यूज़पेपर में कोई भी अगर टिपिकल कॉन्ट्रोवर्शियल फोटो होगा उस फोटो के नीचे के पार्ट में किसी भी कॉर्नर में एक लाइन खींच के आर्टिस्ट का नाम लिखा होता है, राइट। अब उस टाइम पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस थी। मीडिया तो सबको पता है कि उस टाइम पे लिमिटेड चीज़ें थी और लिमिटेड प्रिंटिंग मशीन्स थी वहाँ पे उस टाइम में, तो आपको पता ही होगा कि भाई लिमिटेड प्रिंटिंग मशीन है मतलब जो इंसान उसमें अप्रूवल लेगा या फिर जो इंसान उसके अंदर अपनी जगह बनाएगा वो आर्टिस्ट बहुत अच्छा होगा। तो जो अपनी वो पेंटिंग को रखता था ना तो उस इंसान को सिर्फ पेंटिंग नहीं बनानी होती थी, उस इंसान को एक छोटे से हिस्से के अंदर हज़ारों टाइप की फीलिंग्स को व्यक्त करना होता है, आर्टिस्ट हम उसको कहते हैं। किसी की वो, मैं उस फोटो की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने वेलकम पिक्चर देखा हो ना, तो जो अपने मजनू भाई है ना कि घोड़े के ऊपर गधे को बिठा के जा रहे हैं, हम मैं उसकी उस पेंटिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। हम पेंटिंग की बात करें इसके अंदर लिटरली एक इमोशंस अटैच होते हैं, एक टाइप का एक हैड सैड हैप्पी इमोशनल्स, ये सब जो जितने भी आपके इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं अटैच होकर एक पेंटिंग बनती है, ऐसे एक पेंटिंग नहीं बनती है। क्लियर। अगर मैं आपको बोलूँ कि जी आपको भगवान की एक पेंटिंग बनानी हो और आपने कभी भगवान को देखा ही ना हो, फिर भी आप एक इमेजिनेशन के थ्रू एक फोटोज को क्रिएट करते हो, राइट। तो वो जो है ना वो एक इमोशंस के अंदर आता है। मैं आपको बोलूँ कि आपको एक नॉर्मल पेंटिंग बनानी है जो आपको पसंद आए, बस उस पेंटिंग के अंदर बीच आना चाहिए, उस पेंटिंग के अंदर शहर आना चाहिए, उस पेंटिंग के अंदर अर्थ दिखनी चाहिए, उस पेंटिंग के अंदर सोलर सिस्टम के 9 प्लैनेट्स से 8 प्लैनेट्स दिखने चाहिए, उसके अंदर आपको यूनिवर्स दिखना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है, मैंने आपको इतना सब कुछ कह दिया और आपको बोलूँ कि 4x4 का एक पेपर है, अब इसके अंदर बनाओ। हालांकि ये पेंटिंग बनानी बहुत हार्ड है बट उस पेंटिंग की वैल्यू या फिर उस पेंटिंग के द्वारा की गई कौन जो उस आर्टिस्ट में इतना सब कुछ भरेगा, वो पेंटिंग उसके बाद वो बहुत ज़ोरदार दिखेगी। क्यों? क्योंकि उसने इतने सारे एलिमेंट्स को एक छोटे से 4x4 के छोटे से पेपर के अंदर वो इंक्लूड करने की कोशिश करेगा फुल्ली। क्लियर। उसे कहते हैं आर्टिस्ट। आगे बात करते हैं द आर्ट ऑफ द राजा रवि वर्मा। अब राजा रवि वर्मा थे ना वो वन ऑफ द बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसने रोल प्ले किया इंडियन आर्ट कल्चर्स के अंदर। क्यों? क्योंकि वो मोस्ट ऑफली नेशनल इश्यूज़ को, जितने भी नेशनल इश्यूज़ थे उनको अपनी पेंटिंग्स के द्वारा वेस्टर्न कल्चर्स या फिर वेस्टर्न पेंटिंग्स को और हिंदू माइथोलॉजीज को या फिर इंडियन माइथोलॉजी को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रिंट आउट करवाया, मतलब पेपर्स के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन किया,
पिक्स बनाए, फोटोज बनाए, पेपर्स में अखबार दिए, खुद की आर्ट गैलरी थी, ये सब उन्होंने मोस्ट ऑफ किस में किया था, एक छोटे से टाइम पीरियड्स के अंदर किया था, इसलिए हम उसको आज भी बहुत ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं द डिफरेंट विजन ऑफ द नेशनल आर्टिस्ट। देखो एक चीज़ थी कि एक जब थोड़े बहुत ज़्यादा लोग बढ़ गए या फिर से उनकी बहुत बड़ी कम्युनिटी बन चुकी थी ना, तो इन लोगों ने एक ट्राई आउट किया कि भाई जो आपका मेन चीज़ है, जो आपके मेन रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने सारे पेंटर्स को साथ में बुलाया और सब लोग साथ में आए और सब ने अपने अपने आइडियाज़ को शेयर किया, बट उस कम्युनिटी को राजा रवि वर्मा जी ने उनको रिजेक्ट मतलब निकाल उन्होंने खुद रिजेक्ट कर दिया था कि मुझे उस ग्रुप में कोई आना नहीं है। क्यों? अब उसके अंदर दो रीज़न रहते हैं। पहला रीज़न ये आता है कि लोग ये कहते हैं कि उन्होंने खुद रिजेक्ट किया था, और दूसरे लोग ये कहते हैं कि जो टैगोर कम्युनिटी थी या जो रविंद्रनाथ टैगोर की पूरी कम्युनिटी थी, उन्होंने उनकी पेंटिंग्स को रिजेक्ट किया था, राइट? क्योंकि वो मोस्ट ऑफली स्पिरिचुअल और हिंदू माइथोलॉजीज के ऊपर या फिर उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेबल थे, राधर देन वो वेस्टर्न पेंटिंग्स को ज़्यादा कंसिडर नहीं कर रहे थे। तो मतलब दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव थे, इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट किया था। क्लियर? तो ये इस लेक्चर में या फिर इस चैप्टर के अंदर ये आपके कुछ मोस्ट ऑफ मेन पॉइंट्स हैं। बाकी आपको पता है आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।